इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 को अब हम हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है, और इसमें हमें कुल दो भाग दिए गए हैं। तो देखिए, पहले भाग में हमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया गया है और गोला हमारा कुछ इस तरह का होता है 3D शेप में। तो यहाँ पर हम पहले भाग में 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दिया गया है, इससे हम गोले के आयतन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे गोले की त्रिज्या, जो कि हमें पहले भाग में कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम गोले का आयतन बता देते हैं। तो गोले का आयतन का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे, जो कि क्या होता है हमारा, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात किया, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इस सूत्र पे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, और पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7, और आर क्यूब है यानी कि त्रिज्या जो है 7, ये 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर घात 3 है। तो इस तरह से अब देखिए, ये 7 से 7 कट जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या बचा, 4 × 22 × 7 × 7। तो इन सब का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4312, और बटे में क्या है, 3। अब यहाँ पर 3 से 4312 में भाग देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि इस तरह से 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया पहला भाग। आप चाहे तो इसको दशमलव में भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर इसको मिश्रित भिन्न में लेकर आंसर निकाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग। अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें त्रिज्या 0.63 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया गया है, 0.63 मीटर। अब यहाँ पर हम गोले का आयतन बता देते हैं। तो देखिए, गोले का आयतन के लिए यहाँ पर भी हम वही सूत्र लगाएंगे जो हमने पहले भाग में लगाया, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए, अब हम इस सूत्र पे मान रख देते हैं। सबसे पहले 4/3, पाई का मान जैसा कि आपको पता है 22/7, और आर क्यूब है यानी कि 0.63 तीन बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, हम पॉइंट को हटाकर यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इससे हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 100 से भाग होगा क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 63/100। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने पॉइंट हटा दिया और 100 से भाग कर दिया, ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा क्योंकि घात 3 है। तो ये हो गया हमारा 63/100। अब देखिए, यहाँ से ये 7 × 7 = 7, 7 × 9 = 63, ये कट जाएगा। इसके अलावा ये 3 × 3 = 3, 3 × 9, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 4 × 22 × 3 × 63 × 63। तो इन सब का अगर हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 1047816। ठीक है, अब हम इन सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा, और बटे में क्या है, 100 × 100 × 100। तो इसको हम बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं, 1 लिख देंगे और जितने जीरो हैं उतने जीरो को जोड़कर यहाँ लिख देंगे, ये 2, ये 2 4 और ये 2 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, हम बहुत ही आसानी से इसमें भाग दे देंगे इस 1000000 से। तो सबसे पहले इसको तो हम यहाँ पर सेम उतार देंगे, 1047816, और यहाँ पर कितने हैं, 1000000 से भाग देना है जिसमें कि 6 0 है। तो यहाँ पर हम पीछे से 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, देखिए ये 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हमारा पॉइंट लग जाएगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से भाग दे सकते हैं इस नंबर में। ठीक है, तो ये आ गया 1.047816। देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि हमारा दशमलव के बाद काफी बड़ा यहाँ पर संख्या आ गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको लगभग में लिख लेंगे, यहाँ पर ये 1.0 तो लिखा जाएगा, बाकी यहाँ पर देखिए 4 7 यानी कि 47 है, तो ये हमारा लगभग 50 के आसपास है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1.05 लिख लेंगे, और इसके बाद हम ये जीरो लिखते नहीं है, तो ये आ गया 1.05 मीटर
क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे लगभग, ठीक है, क्योंकि हमने ये लगभग मान लिखा है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर एक के दोनों भाग हल हुए। अब चलिए प्रश्न नंबर दो का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर दो में हमसे क्या पूछा गया है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी कि विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। पहले भाग में 28 सेंटीमीटर व्यास है और दूसरे भाग में 0.21 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे कहा गया है कि गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये हमारा गेंद है, अब ये कितना पानी हटाएगा, जितना इसका आयतन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम गेंद का आयतन ज्ञात कर लेंगे यानी कि गोले का आयतन, क्योंकि गेंद हमारा गोले के आकार का होगा, तो इसलिए यहां पर अब हम गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमें इसके लिए गेंद का व्यास दिया गया है, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे गेंद का व्यास यानी कि डायमीटर, जो कि हमें 28 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें आयतन निकालना है जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहां पर सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे यानी कि रेडियस। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, व्यास में 2 से भाग देकर, तो ये हो जाएगा व्यास 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब यहां पर हम गेंद का आयतन बता देते हैं, तो यहां लिख लेंगे गेंद का आयतन, और इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, गोले के आयतन का यानी कि 4/3 πr³। तो यहां से ये हो जाएगा 4/3 और पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर क्यूब यानी कि ये हो जाएगा 14 × 14 × 14 तीन बार। तो यहां से देखिए अब ये 7 × 7 = 14 ये कट जाएगा, क्या बचा 4 × 22 × 2 × 14 × 14। तो इन सब का अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 34,496 और बटे में क्या है 3। तो अब हम 3 से 34,496 में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11,498 सही 2/3 cm³। आप चाहे तो इस आंसर को दशमलव में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 11,498 सही 2/3 cm³ ये आ गया हमारा गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला भाग। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में जो व्यास है यानी कि डायमीटर, ये हमें कितना दिया गया है 0.21 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहीं पर इस दशमलव को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 21 और 100 से भाग हो जाएगा यानी 21/100 मीटर, ये हो गया व्यास। यहाँ पर हमने दशमलव हटा दिया है, ये 0.21 था, इसको हमने 21/100 मीटर कर दिया, ठीक है। इससे हमारा आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। अब यहां पर हम सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी यानी कि रेडियस। तो देखिए व्यास कितना है यहां पर, सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा d/2 और d कितना है 21/100, इसमें हमारा क्या हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, तो ये हमने यहां पर कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा 21/100 × 2 200 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिज्या 21/200 मीटर। अब यहाँ पर हम गेंद का आयतन बता देते हैं, तो देखिए गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, और गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 πr³। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 22/7 और आर क्यूब, आर कितना है हमारा 21/200, तो ये हो जाएगा 21/200 तीन बार लिखा जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 21/200, ठीक है। ये हमारा बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21 कट जाएगा, ये 7 × 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 × 4 और ये 100 × 200, इसके अलावा ये 2 × 2 और ये 100 × 200, 2 के पहाड़े से कट गया, और ये 11 × 22 और ये 100 × 200 ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या बचा है, 11 × 21 × 21, अब हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर देंगे। 11 × 21 और 21 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,851/100 और 100 और 100 का गुणा कर देंगे, ये बहुत ही आसान है, पहले भी हमने किया, तो 1 लिख के और सभी जीरो को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 6 जीरो है टोटल, 2 2 4 और 2 6।
अब यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इसमें भाग कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 लाख में कितनी जीरो हैं, 6, तो यहाँ पर 10 लाख से 4851 में भाग देंगे, तो बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं भाग, ये 4851 को लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए कितनी जीरो है 10 लाख में, 6 जीरो, तो यहाँ पर पीछे से 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही अंक हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, 5 हो गया, एक और जीरो बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0.00481 मीटर क्यूब आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है, यानी कि गेंद का आयतन क्या हो गया 0.00481 मीटर क्यूब। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए, और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स या फिर PDFs होते हैं उनको वहां पर सेंड करता हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।